भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। खबर लिखे जाने तक भारत का स्कोर 108 रनों पर 2 विकेट हो चुका था। कप्तान विराट कोहली अपने अर्धशतक के करीब थे और साथ ही खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा 40 रन बनाकर विराट का बखूबी साथ दे रहे थे। लेकिन मैच से पहले ही एक शाम को कुछ ऐसा हुआ जो क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत कम होता है। जी हाँ, भारत की जीत और मैच को सही सलामत पूरा करने के लिए पिच पर पूजा कराई गई। भारत इंग्लैंड सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से एक दिन पहले शाम को विशाखापट्टनम के क्रिकेट स्टेडियम की पिच की पूजा कराई गई थी। इस पूजा में यहाँ के क्यूरेटर और ग्राउंड स्टाफ के अलावा टीम इंडिया के हेड कोच अनिल कुंबले भी शामिल हुए थे। आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है कि इस पूजा में टेस्ट मैच के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनहोनी से बचने के लिए प्रार्थना की गई। आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि पिच पर ये पूजा इसलिए की गई थी ताकि मैच के दौरान किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर किया कि इस पूजा का उद्देश्य ये नहीं था कि मैच का परिणाम भारत के ही पक्ष में आए। वहीं इस बारे में पूछे जाने पर टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने कहा, इसमें नई बात क्या है, ऐसा तो होता रहता है। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम की इस पिच पर पहली बार टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टॉस के बाद ही विशाखापट्टनम भारत का 24वां टेस्ट वेन्यू बन गया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।